नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये खबर संबंधित है प्रेमनगर पंचायत से, जो कि सीतामढ़ी जिला के रून्नी सैदपुर प्रखंड में है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के निवासी और पूर्व पहले चुनाव में प्रत्याशी रह चुके मुखिया के चुनाव में धर्मेंद्र कामती जी। और आज हम इनसे बात कर जानेंगे कि इस पंचायत की स्थिति क्या है, पंचायती राज व्यवस्था जो पंचायत में विकास को लेकर काम कर रहा है वो कितना सक्षम है, सफल हुआ है यहाँ काम करने में, लोग कितना बेहतर कर हो रहे हैं, आज हम इनके विचारों से जानेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न है धर्मेंद्र जी आपसे, चूँकि पहले आप समाज में जुड़े रहे हैं और सारी समस्या जानकारी को आप रखते हैं। सबसे पहला प्रश्न अब ये है कि 20 वर्ष आपने देखा होगा कि हर 5 वर्ष में मुखिया जी का निश्चित ही चयन हुआ है। इस बार थोड़ा देरी हुआ, लेकिन ये चयन हुआ, योजनाएं भी आई और लगातार काम चल रहा है। आपका पंचायत ये प्रेमनगर कितना विकसित हो सका इन सारी व्यवस्थाओं के अंतर्गत? विकसित तो हुआ, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया। और जी, तो ये आपने कहा कि 20 वर्ष में उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। जी, अगर पिछले जो कार्यकाल की बात की जाए, जो अभी ख़त्म हुआ है कार्यकाल, जिसमें आप तीसरे स्थान पर रहे थे चुनाव में, जी। इस 5 वर्षों में कितना विकास हो सका है जो आप कहना बताना चाहें? विकास कुछ हुआ है जहाँ तक, और होना चाहिए। जो हमारे अभी जो वर्तमान में जो मुखिया जी है अशोक शाह जी, वो नहीं कर पाए। जैसे हॉस्पिटल का काम था, हमारे गांव का सबसे मेन नाला जो है वो उड़ा ही उनका, उनसे नहीं हो पाया। यही सब है, और भी रोड नाली जो सारा हद तक वो सब नहीं कर पाया, नहीं कर पाया वो। अच्छा, तो एक बात और हम कहना चाहेंगे, पंचायत में तो ये सारे लोगों की सहभागिता से व्यवस्था चलती है, तो क्या लोग इनका विरोध नहीं करते? अगर इस तरह काम उन्होंने नहीं किया तो कुछ तो बातें आनी चाहिए पंचायत में, आम सभा ग्राम सभा में कुछ बातें तो होनी चाहिए। आम सभा ग्राम सभा अभी के जो प्रतिनिधि है, चाहे वो अपने ही हिसाब से कर लेते हैं और उसकी कोई सूचना आम जनता को नहीं हो पाती है। कुछ डेट तो फिक्स किया गया है सरकार के द्वारा भी, जैसे 2 अक्टूबर हो गया, 26 जनवरी, 15 अगस्त, इसमें तो आम सभा पक्का है, उस दिन भी लोग नहीं जाते क्या? नहीं जा पाते, उन्हीं का जो अपना कार्यकर्ता हो वही 2-4-10 आदमी के बीच में बैठ करके अपना कर लेते होंगे, लेकिन आम नागरिकों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। जी, अच्छा एक बात बताइए, जब इस तरह की समस्या है तो इसका कैसे निदान निकलेगा? सरकार इतनी योजनाएं में पैसा भी यहाँ पर आ रहा है, सरकारी पैसा मतलब पब्लिक का पैसा ही आ रहा है योजनाओं के माध्यम से, कैसे हो सकेगा यहाँ का विकास? विकास आम जनता को सोचना होगा कि बेहतर से बेहतर जो सबसे अच्छा प्रतिनिधि हो उनको उनका चुनाव करे, और जो पंचायत में जनता के बीच रहे उनको अच्छी तरह से देख करके उनका चुनाव करें। जी, अच्छा धर्मेंद्र जी, पिछली बार आप चुनाव में आए तीसरा स्थान रहा, तो इस बार भी चुनाव अभी आने ही वाला है पंचायती राज व्यवस्था का, तो इस बार भी आप उम्मीदवार के रूप में यहाँ आएंगे? जी हाँ आएंगे, मुखिया पद के लिए। जी मुखिया पद के लिए। जी, तो इस बार आपकी क्या योजना रहेगी? क्या जो पहले जो 20 साल का स्थिति रहा वही रहेगा कि कुछ बदलेगा? नहीं, मैं बदलना चाहूँगा, मैं और यही कहना चाहूँगा कि मैं जनता के बीच जनता का सेवक बनकर जनता का काम करूँगा, और जो भी जनता का कार्य होगा उसमें जहाँ तक होगा अपने स्तर से उसको करवाना चाहूँगा, और उनके बीच उनके साथ रहूँगा। जी, अच्छा धर्मेंद्र जी, आपने कहा कि उनके बीच उनके साथ रहना, मतलब कि जो पंचायती राज व्यवस्था का मूल है आम सभा ग्राम सभा, इसके महत्व को आप बनाकर रखेंगे और बरकरार रखेंगे? चूंकि देखिए, मैं आपकी बात अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर आने वाले समय में यदि वही बातें रहेंगी, 20 साल का जो कहानी बताया वही दोहराएगा, तो आपसे हम सवाल भी पूछेंगे। तो क्या ये पक्का वादा करते हैं कि अगर आपको लोग सहयोग करते हैं, आप जीतते हैं, तो आम सभा ग्राम सभा के महत्व को बढ़ाएंगे यहाँ अपने पंचायत स्तर पर? जी हाँ, एकदम आम सभा ग्राम सभा जो भी जहाँ भी जो काम होगा वहाँ के वार्ड मेंबर, वहाँ की जनता, वहाँ के जो भी प्रमुख व्यक्ति है उनको बुला करके सारा बात रखने के बाद उस पर विचार विमर्श करते हुए वहाँ का काम किया जाए। चलिए, तो ये दर्शकों को मैं बता दूं कि ये हैं धर्मेंद्र जी, जिन्होंने अपनी बात बता दी है कि यह यहाँ की व्यवस्था तो 20 साल की है। मैं ज़रूर कहूँगा कि ये इनके विचारों पर आधारित है। अगर आपको लगता है कि यहाँ काम हुआ है तब भी आप कमेंट करें, अगर नहीं लगता है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके द्वारा किए गए कमेंट से भी इस चीज़ों को, इस व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे।
तो जरूर आप कमेंट करें। और साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे जो भी हमारे दर्शकों में अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि हैं जो इस क्षेत्र से जुड़े हैं, इस पंचायत से जुड़े हैं, जरूर इस पंचायत की बेहतरी के लिए अपने अपने स्तर से भी प्रयास करेंगे। हम आखिरी में कहना चाहेंगे कि चुनाव जो भी आने वाला है, आपने कहा विकास नहीं हुआ लेकिन आप इस बार विकास करने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो और योजना भी कुछ बनाई होगी आपने कि इन इन मुद्दों पर आप काम सबसे पहले शुरुआत करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले इस गांव में आज से 50 साल पहले यहां का हॉस्पिटल का भवन बना जो अभी पूरा एकदम ध्वस्त है, और सारा वहां का पूरा यूट्यूब हम पहले सबसे पहले कार्य में हॉस्पिटल का और ये नाला का काम करवाना चाहूँगा। तो हम भी ऐसा रखते हैं कि ये काम पूरा हो। आखिरी में पंचायत स्तर पर लोग जागरूक बने, हर वोटर अपनी वोट की कीमत को समझे और बेहतर प्रतिनिधि का चयन करे, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? संदेश तो यही देना चाहेंगे कि वो अच्छे जो भी उनके नज़र में आम जनता के नज़र में जो भी प्रतिनिधि मैं हूँ चाहे कोई हो, उनको अगर अच्छा लगे उनको अपना प्रतिनिधि वोट करे। चलिए, तो हर एक व्यक्ति को वोट करने का अधिकार है, वो अपना वोट बहुमूल्य है उनका, वो वोट अवश्य करें। चलिए, तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने जो भी बात कही है मैं पुनः दोहरा दूं कि वोट आपका बहुत ही कीमती है, और जो पंचायती राज व्यवस्था का जो चुनाव है, जो चुनाव आने ही वाला है, तो आप सभी तैयारी कर लें किसको आप चुन रहे हैं और बेहतर को चुने। अगर धर्मेंद्र जी ने अपनी बात बताई है, अगर आपको ये बेहतर लगते हैं इनको चुन सकते हैं, नहीं तो और जो भी आपके नज़र में बेहतर हैं आप उनको वोट करें, बेहतर को चुनेंगे तो बेहतर पाएंगे, प्रेमनगर पंचायत आगे बढ़े, आप सभी का सहयोग मिले और मिलता ही रहेगा, ये हम आशा रखते हैं। और आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि यदि आप भी अपनी बात इस चौपाल में रखना चाहते हैं तो नंबर डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060, आप इस नंबर पर हमारी टीम को संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम आपके पास आएगी और आपकी बातों को भी चौपाल में रखा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कैमरा पर्सन धीरेंद्र कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद चौपाल, समाचार के लिए धन्यवाद।